जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना, लख लख शुक्राना आप जी का। ये पार्ट नंबर, एपिसोड नंबर 103 है। तो संगत जी, गुरु जी ने क्या किया उस रात जब पहली बार बड़े मंदिर से वापस आई? बोले, तू परेशान थी ना, तेरे प्रश्नों के मैं उत्तर नहीं दे रहा था। देख, तेरे लिए मैं एक वीर ले आया हूँ, जा, तेरा हाथ मैंने गुरुजी को सौंप दिया। बोले, अब से ये ही तुझे संभालेंगे, हुन मैनु थोड़ा आराम करन दे। सपना खुला, मेरी आंखें भीगी हुई थी, जैसे पापा ने मुझे किसी की गोद में डाल दिया हो। पर श्री गुरु नानक देव जी को उठकर बोली, आप मुझसे दूर मत जाना। बोले, मैं तो यही हूँ, पर अब तेरी यात्रा गुरुजी के साथ शुरू होगी, असली आध्यात्मिक यात्रा, असली ज्ञान, जो तेरी जितनी भी भटकन है वह खत्म करेंगे। पागल सी हो गई थी मैं उस रात, बावरी सी हो गई थी। 2:30 बजे रात में उठी, नहाई, प्रकाश किया श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का, जपजी साहिब जी का पाठ किया। बार बार कभी गुरु जी का छोटा स्वरूप देखती, जो मुझे उस दिन मंदिर से मिला था, कभी गुरु नानक देव जी को देखती। पर हाँ, पहले जैसी उलझन नहीं थी, बहुत ही कम हो चली थी। आज का सवेरा एक रूहानी सी खुशबू लेकर आया था, जैसे मेरे रोम रोम से कुछ आवाजें आ रही थीं, कुछ खुशबू आ रही थी। कभी कहती जय गुरुजी, कभी कहती वाहे गुरुजी, दोनों ही जीवन में जरूरी चाहिए थे। एक नया रिश्ता मिलने के बाद पुराना रिश्ता खोना नहीं चाहती थी। लग रहा था अब मेरी चाहतों के साथ साथ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। नन्हे वीर जी को भी तो प्यार करना है, टाइम देना होगा। मैं उन्हें संभालूंगी, प्यार करूंगी, टाइम दूंगी, तभी तो वह मेरी तरफ देखेंगे। और इतना तो मुझे विश्वास था, मेरे प्यार में वो शक्ति है जिससे मैं भी गुरु जी को अपना बना लूंगी, अपनी भक्ति से, क्योंकि मुझ पर तो साक्षात श्री गुरु नानक देव जी ने ये जिम्मेदारी सौंपी है। पापा कहने लगे, बीरा, तेरे वीर जी बड़े भोले हैं, उनके प्यार का, उनके विश्वास का, जो उन्होंने तुझ पर किया है, कभी भी नाजायज फायदा मत उठाना। मैंने भी प्रॉमिस किया, भाई गुरु जी, आपका सिर कभी नीचा नहीं होने देगी आपकी बेटी, हमें आपका साथ भी चाहिए। गहरी सी मुस्कुराहट के साथ चुप हो गए सच्चे पातशाह जी। फिर कहने लगे, जितना प्यार तू मैनू कर दी है, हुन मेरे पुत्र नू उस तो ज्यादा प्यार करी। ऐही तेरे वाहिगुरु जी हन, ऐही तेरे गुरु जी हन। तब संगत जी, वाहिगुरु जी और गुरु जी एक हो गए। निरंकार की एक जोत, एक ओंकार और ओम का संगम, जय गुरु जी दिखने लगे। अब तो मन ही ना लगे, वीरवार को पहली बार मंदिर गई थी, सोमवार को फिर से चली गई शुक्राना करने। दिल करता जल्दी से सारा काम खत्म हो, शाम हो और मंदिर चली जाऊं। रात को देर से घर आती, हस्बैंड का डर तो था क्योंकि इतनी देर तक आना अलाउड नहीं था, पर किसी न किसी स्टाफ को साथ ले जाती, जैसे कोई दीवानी, कोई मीरा, कोई राधा, कोई जोगन अपने प्रिय से मिलने जाना चाहती है। बड़े मंदिर में जाते ही एक सुकून सा मिलता। आज कभी कभी हंसी भी आती है अपनी बेवकूफी पर, कि कई बार तो झूठ भी बोलकर मंदिर गई, क्योंकि मेरे अंकल देर रात तक अलाउ नहीं करते थे। मेट्रो से आना जाना, 2 घंटे जाना, 2 घंटे आना, 5-6 घंटे तो लग ही जाते थे। फिर हस्बैंड कहते, क्या ये सही है, वहां से लोगों से राइड मांगते हो मेट्रो स्टेशन से, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। मैं कहती, फिर आप ले जाओ। कई बार वो गए, उन्हें भी अच्छा लगा, पर बोले, बहुत दूर है मंदिर। हमारे घर में 2 कार थी संगत जी, एक बेटे के पास, एक हस्बैंड के पास। मेरे पास नैनो कार थी जो काफी पुरानी हो गई थी। मैं कभी गुरुजी से कुछ नहीं मांगती थी, पर गुरुजी को कहा कि मैं भी शटल सेवा करना चाहती हूँ, मंदिर में भी कोई सेवा दे दो, इस नैनो का एसी भी सही नहीं है, संगत को कैसे इस गाड़ी में बिठाऊंगी, अब आप ही देखो। तो मेरे अंकल ने मुझे अचानक से ऑटोमेटिक कार गिफ्ट कर दी। लो जी, अब तो गियर भी नहीं डालना पड़ेगा, मैं तो हवा में उड़ने लगी। एवरी मंडे और एवरी थर्सडे जाना चाहती थी, बहुत सारी बीमारियां, डिप्रेशन, परेशानियां,
पोटली में बांधकर ले गई बड़े मंदिर। हर हफ्ते गुरुजी एक नई बात सिखाते, खुद से नई पहचान करवाते और एक एक प्रॉब्लम को मेरी पोटली से निकाल के बाहर करते गए। शटल सेवा भी मिली कुछ दिन, वॉशरूम की सेवा भी मिली कुछ दिन, नई नई संगत से मिलवाने लगे। पर जो बात सबसे पहले गुरुजी ने सिखाई थी वह मैं आज भी फॉलो करने की कोशिश करती हूँ और गुरुजी हमेशा करती रहूँगी। गुरुजी ने कहा, तैनू ते ब्लेस करांगा, तुझे वो सब दूंगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। गुरुजी बोले, मुझे पता है वीरा, तेरा हाथ पापा ने मेरे हाथ में पकड़ाया है, तू कभी कोई गलत काम नहीं करेगी। वाहेगुरु जी ने तुझे चुना और उन्हें मैंने ही कहा था कि ये बुलबुल, ये वीरा, मेरी वीरा मुझे दे दो, इसने संगत को जोड़ना है, तेरी लेखनी, तेरी कलम, अब वही सब लिखेगी जो मैं कहूँगा। मैं दुनिया का कल्याण करने आया हूँ और मैंने पूरे विश्व में अलग अलग सेवादार चुन रखे हैं जिनके दिमाग के ताले की चाबी मेरे पास रहती है, तू भी उनमें से एक होगी। अब तुझे दुनिया मेरे नाम से जानेगी, तू संगत को जोड़ना, बस तेरा और कोई काम नहीं। जहाँ जहाँ मेरा हुक्म होगा वहाँ वहाँ सत्संग की सेवा लूँगा तुझसे और मंत्र जाप की शक्ति लोगों तक पहुँचाना, इस दुनिया से कलयुग का खात्मा करना है। मैं बहुत हैरान परेशान थी। मैं बोली, गुरुजी क्या ये दुनिया मेरी बात को मानेगी, मेरी बात को सुनेगी? आपके तो पुराने पुराने फॉलोअर्स भी हैं, वे भी तो ये सेवा कर सकते हैं जो आपके साथ रहते थे। गुरुजी बोले, तूने इफ एंड बट में नहीं पढ़ना, तूने सेवा मांगी थी ना, अब करनी है या नहीं करनी, और सेवादार बनने के बाद कभी कोई बहाना नहीं बनाना। तू अगर भयंकर बीमार भी हो जाए तो भी तूने सेवा नहीं छोड़नी, ना ही कभी अपनी थकान का रोना रोने बैठ जाना। तू कोई एहसान नहीं करेगी किसी पर, ये तेरे कर्म कटवाने हैं इसी जन्म में। मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही थी, इतनी जल्दी? वाहेगुरु जी, क्या सौगात दे दी आपने, वो भी गुरु जी के रूप में, ऐसे वीर जो कि मेरी जिन्हें मेरी बाँह पकड़ा दी, जो इस दुनिया के स्वामी है, महाशिव है। मैं तो क्लास की मॉनिटर बनने के लायक भी नहीं थी, आपने तो मुझे हेड गर्ल ही बना दिया। फिर गुरुजी ने बहुत सारे प्रॉमिसेस लिए, रोज एक नया प्रॉमिस लेते, अभी मैं आपको आगे कंटिन्यू करूंगी नेक्स्ट पार्ट में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरु।